नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं जिनसे बचने के लिए मनुष्य बहुत सारे संघर्ष करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं तमाम समस्याओं का विज्ञान है ज्योतिष विज्ञान, जिससे कठिन से कठिन बाधा भी आसानी से दूर हो जाती है। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है, अगर हाँ तो फिर कैसे। तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, और जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। साथ ही हमारे नव ग्रह और उनके द्वारा हमें शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सफलता का योग यानी कुंडली के बारे में ज्योतिष के माध्यम से हम जानेंगे करियर को लेकर के। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पहली चार राशियों को लेकर, जो कि है मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, शैक्षिक कार्यों की स्थिति में सुधार होगा, आज धन का खर्च आपका बढ़ सकता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना दिन को शुभकारी बनाएगा, भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले विद्यार्थियों की आज पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, आज परिवार में कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, दाम्पत्य जीवन आज सुखद है, माँ सरस्वती की आराधना करना दिन की शुभता बढ़ाता है, भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, आज प्रयास करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मेडिकल लाइन में जुड़े लोगों के लिए आज बहुत अच्छे योग हैं, मुनाफे का योग व्यापारियों के लिए बना हुआ है, आज गायत्री मंत्र का जाप करना शुभकारी है, भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर 75% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज परिवार की खुशियों के लिए आप धन खर्च करने जा रहे हैं, आज जीवन साथी और परिवार के लोग आपको पूरा सहयोग देंगे, मंदिर में दूध का दान करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा, भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल दर्शकों, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, लेकिन दर्शकों अगर आपके जीवन में कैसे भी कष्ट हो और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आपको मेल करना है, मेल करके कुछ छोटी छोटी सी जानकारी आपको देनी है, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम, और ये चार चीजें देकर के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आचार्य जी खुद आपके लिए वो सवाल देखकर आपको उपचार बताते हैं, छोटी छोटी सी रेमेडीज बताते हैं जिनके माध्यम से आप बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि को लेकर। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए। सिंह राशि वाले, आज का दिन बहुत सामान्य है, कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट आ सकती है, किसी सीनियर के साथ भी आज आपकी अनबन बनने का संयोग है, अपने ऊपर संयम रखिए, भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 7 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, जो लोग पिछले काफ़ी समय से विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ता देख रहे थे, आज उनका इंतजार खत्म हो सकता है, उपयुक्त मैच आज आपको प्राप्त हो सकता है, प्रयास करें, आज भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना दिन की शुभता को बढ़ाता है, भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, आज आपको किसी पर भरोसा नहीं करना, धन की हानि के योग बन रहे हैं, आज आपको कोई अपना नुकसान भी देने की सोच सकता है, ओम नमः शिवाय का जाप करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा, भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 55% सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है,
धन की सभी चिंताएं आज आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ होना भी तय है। हनुमान जी के दर्शन करना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करने जा रहा है। आचार्य जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करियर को लेकर के, क्योंकि अधिकतर ये होता है जब बच्चे 10th 12th के बाद जब बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं तो अधिकतर ये एज ऐसी होती है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अपने करियर को लेकर के कुछ उन्हें समझ नहीं आता कि हमें किस करियर में चूज करना चाहिए, किस करियर में आगे बढ़ना चाहिए, किस फील्ड में हमें आगे अपना 100% कर सकते हैं। लेकिन हम कुंडली के माध्यम से या ग्रहों के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सी फील्ड है या कौन सी चीज लिखी हुई है, ये हम कुंडली के माध्यम से कैसे जाने, और शिक्षा के क्षेत्र में जो सफलता का योग बना हुआ है वो हम कैसे जाने, हमारे दर्शकों को बताइए। जी चेल्सी जी, बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या शिक्षा से हम किस क्षेत्र में हम तरक्की पा सकते हैं और कौन सी शिक्षा हम प्राप्त करें जिससे हमारा उस शिक्षा में अच्छा करियर भी बन जाए। अक्सर होता चेल्सी जी ये है कि हम कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, कोई व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है लेकिन उसको हो सकता है कि वकालत ज्यादा सूट करे, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हो सकता है कि उसको एचआर की नौकरी सूट करे जी। तो इस प्रकार से हम लोग नहीं तय कर पाते कि ईश्वर हमें किस क्षेत्र में अधिक सफलता देना चाहता है, हमारी कुंडली किस क्षेत्र में हमें ज्यादा सपोर्टिव है, हमें ज़्यादा सपोर्ट करती है कि हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और माँ बाप के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो इसको देखेंगे कैसे, पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, शिक्षा का भाव है पंचम भाव और करियर का भाव है दशम भाव। पंचम भाव से शिक्षा मिलती है और दशम भाव से हमें करियर मिलता है। यदि पंचम भाव में जो राशि उदित होती है उसके स्वामी जो हैं, हम उसके स्वामी के आधार पर आपको बताएंगे कि अगर ये आपका राशि स्वामी आपकी अच्छी स्थिति में है तो आपको उस क्षेत्र में जाकर सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तो जैसे हमारे नव ग्रह हैं तो नव ग्रह हमें क्या देना चाहते हैं, तो इसका एक हम आपको विवेचन कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमें देते हैं चिकित्सा, शरीर विज्ञान, प्राणी शास्त्र, नेत्र चिकित्सा, राजभाषा, प्रशासन, राजनीति, जीव विज्ञान। ये इस एजुकेशन को अगर आप, सूर्य आपका अच्छा है तो आपको अवश्य ही आपके बच्चे को उसमें सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो नर्सिंग, नाविक शिक्षा, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी बोलते हैं, होटल प्रबंधन, काव्य, पत्रकारिता, पर्यटन, डेयरी विज्ञान और जलदाय, जल से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मंगल भूमति, फौजदारी, कानून, इतिहास, पुलिस संबंधी प्रशिक्षण, ओवरसीज प्रशिक्षण, सर्वे, अभियंत्रिकी जिसको कि इंजीनियरिंग बोलते हैं, वायुयान शिक्षा, शल्य चिकित्सा, विज्ञान, ड्राइविंग, टेलरिंग, अन्य तकनीकी शिक्षा, खेलकूद संबंधी, सैनिक शिक्षा, दंत चिकित्सा, ये हमें मंगल से प्राप्त होती है। गुरु से बीज गणित, तृतीय भाषा, आरोग्य शास्त्र, विविध अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, धार्मिक या आध्यात्मिक शिक्षा, ये हमें गुरु ग्रह से प्राप्त होती है। बुध ग्रह से हमें प्राप्त होता है गणित, ज्योतिष, व्याकरण, शासन की विभागीय परीक्षाएं, पदार्थ विज्ञान, मानस शास्त्र, हस्तरेखा ज्ञान, शब्द शास्त्र और भाषा पर अपना पकड़, टाइपिंग तत्व, पुस्तकालय विज्ञान, लेखा, वाणिज्य, शिक्षा भी बुध से प्राप्त होती है। शुक्र से हमें प्राप्त होते हैं ललित कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला आदि, फिल्म, टीवी, वेशभूषा, फैशन डिजाइनिंग, काव्य साहित्य, अन्य विविध कलाएं भी हमें शुक्र से प्राप्त होती हैं। शनि से हमें जो प्राप्त होता है भूगर्भ शास्त्र, सर्वेक्षण, अभियंत्र की, औद्योगिक यंत्र की, भवन निर्माण, मुद्रण, कला प्रिंटिंग। राहु से हमें तर्कशास्त्र और हिप्नोटिज्म की शिक्षा प्राप्त होती है, मेमोरिज्म, कर्तव्य के खेल, जादू, सर्कस आदि, भूत प्रेत संबंधी ज्ञान, विष चिकित्सा, एंटीबायोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमें राहु से प्राप्त होते हैं। और केतु से हमें क्या प्राप्त होता है, गुप्त विद्याएं, मंत्र तंत्र संबंधी यंत्र ज्ञान।
तो ये तमाम सारी जानकारी जो आचार्य जी ने दी है सभी दर्शकों को समझ आ गई होगी। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी के लिए। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ाई कुछ और करते हैं लेकिन उनकी कुंडली में कुछ और योग बने होते हैं और फिर एट लास्ट वो यही बोलते हैं कि हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही। तो इसलिए अगर कोई भी कन्फ्यूज है तो हमें लगता है कि जैसे आपने बताया कि कुंडली एक बार जरूर दिखवाना चाहिए क्योंकि कुंडली के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि आखिर कौन सी किस क्षेत्र में हमें सफलता मिल सकती है या किस फील्ड के हमारे योग बने हुए हैं तो उसमें हम अपना बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, आगे बात करेंगे धनु मकर कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। धनु राशि वाले, आज संतान की ओर से आपको विशेष खुशी प्राप्त होने का योग है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा था आज उनका ये कार्य पूर्ण हो सकता है। माँ पार्वती के दर्शन करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन आज आपका खुश रहेगा। आज का दिन धर्म कर्म के कार्यों में बीतेगा। आज गरीबों को काली चने की दाल भेंट करना शुभ कार्य है। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर 55% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपके बॉस और सीनियर आप पर मेहरबान रहेंगे। आपको आपकी मेहनत का फल भी आज मिलने जा रहा है। भगवान कार्तिकेय की आराधना करना दिन की शुभता बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर 90% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज धन का लाभ होने जा रहा है। व्यापारियों को आज बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं यदि वो प्रयास करेंगे। रुके हुए सारे काम बनेंगे। बड़े भाई का आशीर्वाद लेना आज विशेष फलदायी है। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर 85% सहयोग करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न जरूर यहाँ पर ले लें। सुधा हैं जो कि रांची से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता देते हैं 10/6/1991 और समय है शाम का 4:56। और इनका सवाल हेल्थ को लेकर के है। इनका प्रश्न है कि मेरे ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और मैं अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताइए। इनका हेल्थ से संबंधित प्रश्न है, आइए हम इनकी कुंडली को देखते हैं। इनकी जो कुंडली है तुला लगन और मेष राशि की है और ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी रोग की समस्या है। इनके छठे भाव को हम यदि देखते हैं तो वहाँ पर बृहस्पति की राशि मीन उदित होती है और बृहस्पति इनकी कुंडली में विराजमान है दशम भाव में, मंगल के साथ और शत्रु शुक्र के साथ और शत्रु शनि की उस पर दृष्टि है। ये इनकी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो इसी वजह से है कि शनि और शत्रु शुक्र के साथ जो गुरु की स्थिति बनी है। इनको क्या करना है कि हर बृहस्पतिवार को मंदिर के अंदर पीली चने की दाल अर्पण करें और साथ में विष्णु भगवान को हल्दी की 7 गांठ भेंट करें हर वीरवार को। बहुत जल्दी इनकी समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल, आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स को लेकर। आचार्य जी, जिनका भी आप बर्थडे है उनके लिए क्या टिप्स हैं? जी जिनका भी आज जन्मदिन है वो भगवान शिव को दही से अभिषेक करें तो पूरा वर्ष उनको खुशियां प्राप्त होंगी, सफलताएं प्राप्त होंगी। मैरिज टिप्स में जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए? जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंदिर के बाहर बैठे कम से कम 5 बुजुर्गों को दूध भेंट कर उनका आशीर्वाद यदि लेंगे तो आपस का प्रेम बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। बिल्कुल, अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे कि आज के लिए आपको कौन सी चीज पूरा दिन के लिए अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें मूली का प्रयोग नहीं करना है, ये हमारे लिए नेष्टकारी साबित होगी। आचार्य जी, जाते जाते कुछ ऐसी टिप्स जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो। टिप
टिप्स ऑफ द डे में आज भगवान कार्तिकेय को सफ़ेद बर्फी भेंट करके उनका आशीर्वाद लें, यथाशक्ति उन्हें गरीबों में बांटें तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी, गुणकारी और सफलकारी बीतेगा। इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। बिल्कुल, भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे, लगातार हमारे कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।